गाजा में इसराइल और हमास के बीच खतरनाक जंग जारी है। लड़ाके इसराइली फौज पर हावी नजर आ रहे हैं। खंडहर बन चुके गाजा का फायदा उठाते हुए हमास के लड़ाके बेहद खूंखार हो गए हैं। इसराइली बलों और उनके सैन्य टैंकों को आसान शिकार बनाया जा रहा है। गाजा में लड़ी जा रही भीषण जंग के फिलहाल ब्रेक लगने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इसराइल की मुश्किलें हर बीतते दिन के साथ गाजा में बढ़ती ही जा रही हैं। इसराइल हमास युद्ध को करीब 10 महीने होने वाले हैं। गाजा से हमास के सफाए की उम्मीद इसराइल से लगातार दूर होती दिख रही है। लड़ाकों ने तबाह हो चुके गाजा में जिस तरह घात लगाकर वार करना शुरू किया, उससे इसराइल लगातार अपने जवानों को खोता जा रहा है। हमास लड़ाकों की ओर से गाजा में इसराइली बलों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच हमास के खतरनाक मिलिट्री विंग अल कसम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कई इजरायली टैंक को फिलिस्तीनी लड़ाकों द्वारा निशाना बनाते हुए दिखाया गया। हमास के लड़ाकों ने अलग अलग जगहों पर 3 इजरायली टैंकों को निशाना बनाकर तबाह किया। गाजा में चल रहे इजरायली बलों के ऑपरेशन में हमास के लड़ाके बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। मशीन गनों से भी इजरायली फौज पर हमला किया गया। इससे गाजा के दक्षिण में तल अल हवा पड़ोस में सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। अल कासिम ने बताया कि ब्रिगेड ने 114 mm कैलिबर के कम दूरी के राजूम रॉकेटों से नेट जारी मैक्सिस में इजरायली बलों के कमांड रूम को निशाना बनाया। इसके अलावा लड़ाकों ने गाजा के दक्षिण में ताल अल हवा पड़ोस में कई सैनिकों से घिरे एक मरकवा टैंक 4 को अल यासिन 105 शेल से निशाना बनाया। अल कासिम ब्रिगेड यही नहीं रुकी। समूह ने दावा किया कि मध्य गाजा में जुहर अल दिक के उत्तर में घुसकर IDF पर मोर्टार के गोले से बमबारी की गई। साथ ही खान यूनिस शहर के पूर्व में IDF के कमांड मुख्यालय पर मोर्टार के गोले दागे गए। वहीं प्रतिरोधी सेनानी को SAM-7 मिसाइल से एक इजरायली सैन्य हेलीकॉप्टर को निशाना बनाते हुए भी दिखाया गया, जिससे बचने के लिए हेलीकॉप्टर की ओर से एंटी फ्लेयर का इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि मिसाइल ने हेलीकॉप्टर को लॉक कर दिया। इसके अलावा हमास को हमले में भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी। वीडियो में 2 लड़ाकों को आपस में बातचीत करते हुए देखा गया, जहां दावा किया गया कि ये लड़ाके कहते हुए सुने जा रहे हैं कि इसराइल कभी नहीं सीखता, हम उन्हें सिखाएंगे, हम उन्हें मार डालेंगे, हमें अब इसराइल के पैदल सैनिक चाहिए, हम इजरायली टैंकों को तबाह करते करते ऊब चुके हैं। वहीं इस्लामिक जिहाद की अलकुद्स ब्रिगेड ने भी अपने ऑपरेशन की जानकारी दी, जिसमें लड़ाकों ने गाजा में इजरायली बलों का जीना मुश्किल कर दिया। समूह ने बताया कि गाजा के दक्षिण पश्चिम में ताल अल हवा पड़ोस में 60 कैलिबर मोर्टार गोले से इजरायली सैनिकों और वाहनों को पर बमबारी की गई। इसके अलावा लड़ाकों ने अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों के साथ मिलकर भी कई अभियान चलाकर इजरायली फौज पर जमकर बरसे। लड़ाकों ने दावा किया कि इजरायली ईवो मैक्स ड्रोन को कब्जे में लिया गया, जो पूर्वी खान यूनिस के आसमान में खुफिया मिशनों को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा समूह ने यूनिस शहर के पूर्व में अल आलम चौराहे के पास घुस रहे इजरायली फौज और उसके बख्तरबंद वाहनों पर मोर्टार से बमबारी की। साथ ही अल अबादला पड़ोस में घुसपैठ कर रही IDF की टुकड़ी पर 60 मिलीमीटर मोर्टार गोले की बौछार की। अल्लाह अकबर।